नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इंग्लिश का क्लासिफिकेशन। ठीक है, इंग्लिश के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं। क्लासिफिकेशन आप बोलिए या पार्ट्स बोलिए या टाइप्स या ब्रांच या ग्रुप्स या काइंड, कुछ भी आप बोल सकते हैं। माइनर डिफरेंस होते हैं, मोटा मोटी बात एक ही होता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग रहते पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश का। क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, किसी चीज को समूह में बांटना। क्लियर? तो इंग्लिश के तीन क्लासिफिकेशन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। ठीक है, तीन होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं वो तो वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी VOCABULARY, वोकैबुलरी। इसके अंतर्गत में वर्ड आते हैं। ठीक है, वर्ड मीनिंग नहीं समझते, ग्लोसरी या नोट्स जो होता है ना वो आता है इसमें, वर्ड मीनिंग आते हैं। ठीक है, वोकैबुलरी के अंतर्गत में वर्ड मीनिंग आते हैं। क्लियर? अगला जो होते हैं वो ग्रामर होते हैं। ग्रामर, ग्रामर। ठीक है, ग्रामर हमें क्या सिखाती है? रूल। ग्रामर के अंतर्गत में क्या आते हैं? रूल आते हैं। ग्रामर के इंक्लूडिंग क्या आते हैं? रूल आते हैं। क्लियर? आर यू? अले, रूल मतलब नियम। ठीक है, वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दावली। ठीक है, इसमें शब्द आते हैं, शब्दावली है तो शब्दावली में शब्द आएगा। ग्रामर मतलब व्याकरण, तो क्या व्याकरण में जो होते हैं वो नियम आते हैं। क्लियर? और नेक्स्ट जो है वो लिटरेचर। नेक्स्ट जो है लिटरेचर, LITERATURE, लिटरेचर। इसके अंतर्गत में क्या आते हैं? इसके अंतर्गत में स्टोरी आता है। ठीक है, क्या आता है? स्टोरी। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश तो थ्री होते हैं, वोकेबुलरी, ग्रामर और लिटरेचर। वोकेबुलरी में वर्ड आते हैं और ग्रामर में रूल आते हैं, लिटरेचर में स्टोरी आते हैं। और एक चीज़ और है जिसका आपको बारीकी से ख्याल रखना है। यहाँ पर एक तरीका से कैच है। ठीक है ना, कैच मतलब एक तरीका से पकड़ है जो आपको रखनी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश में एक तरीका से कैच है, पकड़ है जो आपको रखनी है। अब क्या कैच है? देखिए, कोई भी आपको पूछेगा क्लासिफिकेशन के, तो ना आप यहाँ पे एग्जैक्टली थ्री नहीं बोल दीजिएगा। ठीक है, एग्जैक्टली थ्री बोलने का मतलब है कि आपने डिसीजन ले लिया, आपने डिसीजन ले लिया कि चलो तीन ही होते हैं, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कि आपको कोई पूछे कि हाउ मैनी क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश, आपने बोल दिया थ्री, नहीं तो थ्री नहीं बोलना है। तो क्या बोलना है आपको? बोलने से पहले आपको मैनली लगा देना है, मैनली लगा देना है, MANLY, मैनली लगा देना है। ठीक है, तो हाउ मैनी क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश, मैनली थ्री क्लासिफिकेशन इंग्लिश। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश, मैनली थ्री। हाउ मैनी पार्ट्स, मैनली थ्री। वट एवर, कुछ भी। मैनली लगाने का मतलब है कि और कोई भी तो होता होगा डेफिनेशन, और कोई तो काइंड्स होते होंगे, और कोई टाइप्स होता होगा, और कोई ब्रांच होता होगा, और कोई पार्ट्स होता होगा, और कोई क्लासिफिकेशन होता होगा, लेकिन बहुत सारे होते हैं। हमने उसमें से जो मेन होते हैं वो हमने लिया, मुख्य लिया। जैसे कहीं पर आप किसी को दावत देते हो, दावत देते हो, तो दावत आप मान लीजिए 50 आदमी को दावत दिए। ठीक है ना, 50 50 जन है, जन मतलब आदमी। ठीक है, 50 जन को आपने क्या दिया? इनवाइट किया, इनवाइट किया। लेकिन आपको नजर रहती है कि इसमें से मेन आदमी सब आया कि नहीं आया। अब बाकी तो सब आया, लेकिन आपका नज़र किस पर रहती है? मेन आदमी पर। तब ना फिर बाद में जाके बोलते कि हाँ मैं, वो आदमी सब नहीं आया, तो वो आदमी सब नहीं आया इसका मतलब क्या? और सब तो आया था, तो सब पर नज़र आपको नहीं गया, लेकिन गया क्या? वही गिने चुने आदमी पर, इसलिए मान ली। तो इसका मतलब होता है इंग्लिश का बहुत सारा क्लासिफिकेशन होते हैं, चार भी हो सकते हैं, पाँच भी होते हैं, छः भी होते हैं, सात, कुछ कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी होते हैं, लेकिन लेकिन मेन जो होते हैं, मैनली जो होते हैं, वो थ्री होते हैं। इस हिसाब से आपको थ्री नहीं बोलना है। थ्री अगर आप बोलते हैं तो आप फंस जाते हैं। आपको क्या लगा देना है? मैंने लगा देना है, मैनली थ्री, मैनली लगा देना है। ठीक है, मैनली अगर आप बोलिएगा तो इसका मतलब और भी कोई होता होगा, चार पांच छः, लेकिन मैनली हमको क्या आता है? तीन आता है, इस तरीका से। ठीक है,
आप ऐसे भी सोच सकते हो, आपकी प्रॉब्लम है, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं वोकैबुलरी की, मतलब उसके अंतर्गत में वर्ड मीनिंग आते हैं उसके। तो वर्ड क्या होता है, वर्ड क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स लेटर्स दैट इज मीनिंगफुल एंड प्लीजिंग प्लीजिंग टू द ईयर इज ए वर्ड, ईयर इज ए वर्ड, क्लियर। ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट इज मीनिंगफुल एंड प्लीजिंग टू द ईयर इज ए वर्ड। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है समूह, ठीक है। ऑफ मतलब होता है एक तरीका से का, लेटर्स अक्षर, दैट मतलब वह भी होता है, दैट मतलब जो भी होता है, लेकिन यहाँ पर दैट मतलब जो होगा। अब क्यों होगा वो देखेंगे फर्दर आगे। मीनिंगफुल मतलब होता है मतलब निकालना, ठीक है ना, एंड मतलब प्लीजिंग मतलब सुखद, अच्छा महसूस होना, ईयर मतलब कान और मत शब्द। ऐसा का मतलब क्या हो गया, पहले हम पढ़ देते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स सी ओ एम बी आई एन ए टी आई एन कॉम्बिनेशन ओ एफ ऑफ एल ई डबल टी आर एस लेटर्स टी एच ए टी एच ए टी दैट आई एस इज एम ई एन आई एन जी एफ यू एल मीनिंगफुल ए एन डी एंड पी एल ई एस आई एन जी प्लीजिंग टी ओ टू टी एच ई डी ई ए आर ईयर आई एस इज अ डब्ल्यू ओ आर डी वर्ल्ड, ठीक है। A combination of letters that is meaningful and pleasing to the ears a world. A combination of letters that is meaningful and pleasing to the ears a world. वैसा अक्षरों का समूह, वैसा अक्षरों का समूह जिसका पूरा पूरा मतलब निकले, ऐसा अक्षरों का समूह जिसका पूरा पूरा मतलब निकले उसको हम एक तरीका से क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए मेरे हाथ में मान लीजिए मार्कर है, मार्कर मार्कर लेटर का कॉम्बिनेशन है, एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स लेटर्स हुए। तो सिक्स लेटर हुआ तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, आपको सिक्स लेटर का कॉम्बिनेशन हुआ ना, और इसका मतलब भी निकलता है और ये सुनने में अच्छा भी लगता है। तो जो सुनने में अच्छा लगे और जिसका पूरा का पूरा क्या निकले, मतलब निकले, उसको बोलते हैं एक तरीका से हम वर्ड। जो सुनने में अच्छा लगे जिसका पूरा पूरा मतलब निकले उसको हम एक तरीका से क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, ठीक है। चलिए मार्कर मतलब भी निकलता है इसका, चलो लिखने वाला कुछ होगा मार्कर। अगला फिर आते हैं कुछ, देखो वर्ड मीनिंग में क्या होता है, आप सैकड़ों एग्जांपल ले सकते हो, हजारों लाखों वर्ड एग्जांपल होता है, आपको मेन यहाँ पे क्या जो है ना वो आपको मतलब समझनी है। जैसे कि और आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, ठीक है। मोबाइल लेटर्स का कॉम्बिनेशन भी हुआ, इसका मतलब भी निकलता है एक तरीका से, बात करने वाला, चलता फिरता आदमी भी होता है इसका मतलब, मोबाइल मतलब चलनशील कोई कुछ भी आप, है ना, मोबाइल मतलब बात करने वाला कोई मशीन डिवाइस एक तरीका से, कुछ भी आप इसका हिंदी हो सकता है, ठीक है। मोबाइल आप इसी से कुछ आप एग्जांपल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ईटीसी डाल दीजिए आप एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए आप इसी से मिलता जुलता एक टर्म आता है, जम्बल्ड वर्ल्ड, जम्बल्ड जम्बल्ड वर्ड, इसी से मिलता जुलता टर्म आता है जम्बल्ड वर्ड। जम्बल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, गडमट अच्छा, क्या होता है, गडमट शब्द दे दीजिए, लेटर आता है तो अच्छा शब्द, लेटर्स बहुत सारे लेटर्स मिलता है तो शब्द होता है, तो इसलिए यहाँ पे बेटर क्या होगा, शब्द या मिलावटी अच्छा, या मिलावटी मिलावटी अच्छा, ठीक है ना, मिला या मिलावटी शब्द, ठीक है। जम्बल्ड वर्ड क्या होते हैं, जम्बल्ड वर्ड क्या होते हैं, जम्बल्ड वर्ड क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग नो डेफिनेट मीनिंग आर कॉल्ड जम्बल्ड वर्ड, आर कॉल्ड जम्बल्ड वर्ड, जम्बल्ड वर्ड यहाँ दे दीजिए, जम्बल्ड वर्ड आर कॉल्ड जम्बल्ड वर्ड। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग नो डिफिनेट मीनिंग्स इज कॉल्ड जम्बल्ड वर्ल्ड, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग नो डिफिनेट मीनिंग इज कॉल्ड जम्बल्ड वर्ड, आर कॉल्ड जम्बल्ड वर्ड, ठीक है। अभी जम्बल्ड वर्ड क्या होता है, अभी वही एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे कि पिछले में हम आपको एग्जाम्पल देते मार्कर का, मार्कर का, ठीक
ठीक है। अब कोई भी वर्ड में नहीं ले सकते, कोई भी वर्ड मीनिंग आप ले सकते हो, हजारों लाखों सैकड़ों करोड़ों बहुत बहुत सारे वर्ड मीनिंग है, बहुत सारे इन्फिनेट वर्ड मीनिंग है, आप कुछ भी एक तरीका से ले सकते हो। तो हमने अपना मेरे हाथ में मार्कर है तो हमने मार्कर ले लिया। अभी मार्कर में देखिए ती तो आपको वर्ड हो गया क्योंकि इसका मतलब निकलता है, लेकिन आप इसी को अगर उल्टा पुल्टा करते हो, ई दे दीजिए, पार दे दीजिए, के दे दीजिए, आर दे दीजिए, ए दे दीजिए, एम दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप देखिए क्या हो गया, इरक करम, ये तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब वैसा वर्ड मीनिंग, वैसा शब्द, वैसा ग्लोसरी, वैसा वोकैबुलरी जिसको गूगल भी एक्सेप्ट नहीं करे, रिपीट, वैसा वर्ड मीनिंग, वैसा वोकैबुलरी या वैसा ग्रोसरी कुछ भी आप समझ लीजिए, वैसा शब्द जिसको गूगल भी एक्सेप्ट नहीं करे, मतलब जिसका कुछ मतलब नहीं हो। तो वही एकदम डिफिनेशन समझने की कोशिश कीजिए। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग नो डिफिनिट मीनिंग, डिफिनिट डिफिनिट नहीं, डिफिनिट तो उसका वर्ड का नो लगा है, तो नो डिफिनिट मीनिंग, मतलब वैसा शब्द जिसका कोई मतलब नहीं निकले, ठीक है ना। और ये बहुत पूछता है कंपटीशन समय, जूनियर से लेकर सीनियर क्लास समय पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम समय पूछता है, जब भी आपको दे देगा ये तरीका से, एक तरीका से आपको ये दे देगा, ये ई आर के ऐसे करके दे देगा, बोलेगा इसे आपको वर्ड मीनिंग बनाने के लिए, ठीक है ना, इसे आपको मीनिंगफुल शब्द बनाने के लिए, आप बना दीजिएगा इसे मारकर अपने नॉलेज के हिसाब से, विवेक के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, ठीक है ना। इस तरीका से कुछ भी आपको ये दे देगा, कुछ भी दे देगा, जैसे कि मान लीजिए एलिफेंटे है, कुछ भी ले सकते हो, एलिफेंटे है, इसको उल्टा पुल्टा कर दीजिए, एच दे दीजिए, ए दीजिए, एन टी ई एल ई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर एक एक और छुट्टा है, एच हमने दे दिया, एच दे दिया तो एच हटा दीजिए, ए दे दीजिए तो ए हटा दीजिए, एन दे दिए, टी दे दिए हटा दीजिए, पी पी ने पी नहीं दिए तो पी दे दीजिए, ठीक है। अभी अभी ये दे देगा, अब बोलेगा इसका मीनिंगफुल बनाओ, मीनिंगफुल एलिफेंट हो जाएगा, एलिफेंट हो जाएगा, इस तरीका से, ठीक है। जूनियर क्लास में दे देता है, जूनियर क्लास में दे देता है, बच्चे लोगों को वाई दे देता है, ये ऐसे करके दे देगा, ठीक है। अब बोलेगा इसे वर्ड में बना, जूनियर बच्चा से बना देगा, वह वो चीज़ वही होती है, खाली उसका जो होता है जो तरीका होता है वो धीरे 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 एडवांस होता जाता है और हार्ड होता जाता है। बाकी ये जूनियर क्लास सबका है और आपको एडवांस वर्ड मीनिंग सब सीनियर क्लास में जाता होगा, तो बहुत पूछता है कंपटीशन सब में, ठीक है। अभी हमने आपको क्या बताया, वर्ड जिसका पूरा पूरा मतलब निकले, जो सुनने और बोलने में अच्छा लगे वो वर्ड होते हैं, जो सुनने और बोलने में अच्छा नहीं लगे उसको नंबर वर्ड बोलते हैं, ठीक है। अगला था ग्रामर, ठीक है, ग्रामर अगला क्या था, ग्रामर, ग्रामर, तो ग्रामर के अंतर्गत में क्या आते हैं, रूल आते हैं, नियम सिखाते हैं, ग्रामर, ग्रामर क्या सिखाता है, नियम सिखाता है। तो ग्रामर को हम आपको बाद में डिटेल में हम आपको बताएंगे, ग्रामर है ना, डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में, यही हम आपको बताएंगे, ग्रामर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा तरीका से ग्रामर का लेक्चर देंगे। तो अभी आप ग्रामर के बारे में इतना समझिए, ये नियम को बताता है, नियम का, नियम को बताता है, और विदाउट इंग्लिश, विदाउट ग्रामर आप इंग्लिश अच्छा से नहीं कवर कर सकते हो। जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए कि आपका बॉडी है, ठीक है ना, तो आपका बॉडी, आपके बॉडी में से रीढ़ की हड्डी निकाल लेगा, बैकबोन निकाल लेगा, तो आपका शरीर खड़ा नहीं रहेगा। तो आप समझ सकते हो कि जिस हिसाब से शरीर बैकबोन पर टिका हुआ है उसी हिसाब से आपका जो इंग्लिश है वो ग्रामर पर टिका हुआ है, ठीक है ना। आप तो आप इसको ऐसे समझिए कि आपका बॉडी हो गया एक तरीका से इंग्लिश हो गया, और आपका जो रीढ़ की हड्डी हो गया ग्रामर हो गया, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है ना। कोई भी, अच्छा एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे कि कोई भी फिल्म है, कोई भी मूवी है, है ना, तो मूवी को सुपर हिट करने में हालांकि बहुत सारे का हाथ रहता है, लेकिन जो मेन जो हाथ होता है वो किसका होता है, हीरो का। हीरो जिस हिसाब से एक्टिंग करेगा, हीरो जिस हिसाब से अपना जो अभिनय को निभाएगा उस हिसाब से फिल्म सुपर हिट या फ्लॉप करता है, ठीक है ना। तो उसी तरीका से आप उसको ऐसे समझिए, जो फिल्म जो होते हैं, मूवी जो होते हैं, वो एक तरीका से इंग्लिश हो गया, और उसका जो हीरो होते हैं वो ग्रामर होते हैं, ठीक है, आप कैसे भी समझ सकते हो, ठीक है, इस हिसाब से। और अगला जो लास्ट जो है, लिटरेचर, लिटरेचर, लिटरेचर के अंतर्गत में आते हैं स्टोरी, लिटरेचर के स्टोरी आते हैं, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, साहित्य, इसके अंतर्गत में क्या होते हैं, स्टोरी आते हैं, लिटरेचर के अंतर्गत में कहानी आते हैं। तो आप देखिए इसको, सीरीज को आप उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हैं, पहले क्लासिफिकेशन थ्री, तो पहले अगर वर्ड मीनिंग आदमी याद नहीं करेगा, वर्ड मीनिंग अगर हम आप याद नहीं करेंगे तो ग्रामर समझने में थोड़ी परेशानी होगी, और ग्रामर अगर हमको आ गया तब हम कोई भी कहानी लिख सकते हैं,
क्योंकि कहाँ पे आर लगेगा, कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे दोज लगेगा, कहाँ पे दीज लगेगा, मतलब कहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे प्रीपोजिशन लगाएंगे, कहाँ पे कंजक्शन लगाएंगे, कुछ भी जो भी आप समझिए अपने हिसाब से। तो अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं याद है तब आपको ग्रामर समझने में दिक्कत होगी, पढ़ने में दिक्कत होगी। सैकड़ों वर्ड मीनिंग आते हैं इसके अंतर्गत में, तो वर्ड मीनिंग आपको याद नहीं रहेगा तो ग्रामर आपको कहाँ से समझ में आएगा? ग्रामर अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कहानी कैसे लिखेंगे, ऐसा आप कैसे लिखोगे, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, निबंध आप कैसे लिखोगे, कहानी कैसे करोगे, ठीक है ना? जैसे कोई भी आप किसी को संबोधन करना हो, किसी के बारे में बताना हो, ठीक है ना, लेक्चर देना हो किसी चीज़ पर, आप कैसे करेंगे? तो आप सीरीज, आपको उल्टा पुल्टा सीरीज नहीं करेगा। पहले वर्ड मीनिंग है तो पहले वर्डे होगा, सेकेंड ग्रामर है तो सेकेंड ग्रामर ही होगा, देन लिटरेचर है तो देन लिटरेचर भी है। कॉमन सेंस की बात है, वर्ड मीनिंग पहले आएगा, पहले वो लोग वर्ड मीनिंग याद करेगा, उसके बाद ग्रामर पढ़ेगा, तब ना लिटरेचर होगा। कि पहले आप कहानियाँ लिखने लगिएगा, तब आप रूल समझिएगा, फिर आप वर्ड मीनिंग याद कीजिएगा। रॉन्ग डायरेक्शन हो गया ना, राइट डायरेक्शन क्या हो गया, ये क्लियर? इस तरीका से ऐसे आपको चलना है। ये हुआ राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ वर्ड मीनिंग, सेकेंड ग्रामर, वही वर्ड मीनिंग मतलब एक तरीका से वोकैबुलरी आप बोल दीजिए, ठीक है, और थर्ड में आते हैं लिटरेचर। आपको ऐसे नहीं चलना है, आपको ऐसे नहीं चलना है, पहले लिटरेचर, उसके बाद ग्रामर, उसके बाद वोकैबुलरी। तो ये आपको क्या हो गया, गलत हो गया ये, ठीक है। तो पहले जो होगा वही होगा एक लेंथ से डायरेक्शन में, ठीक है, सीधे डायरेक्शन। पहले पहले वोकैबुलरी, तो पहले वोकैबुलरी, देन ग्रामर, तो ग्रामर, लास्ट लिटरेचर, तो लास्ट लिटरेचर, ठीक है। तो अपने लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम आपको ग्रामर के बारे में बताएंगे एकदम अच्छा से डिटेल, और इंग्लिश से जुड़ा हुआ और वीडियो मैंने लगभग मैं 2 के आसपास वीडियो हमने 2-3 महीने पहले डाल दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैथमेटिक्स भी हमने दिया है, ठीक है, कुछ तो आप उसको भी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, और जो भी मैंने आपको अभी बताया है उसका डिफिनेशन, और हम उसको अच्छा से डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। क्लियर? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।